यूपी सरकार में इस वक्त अजीब सा पारिवारिक घमासान मचा हुआ है। सीएम अखिलेश ने चाचा शिवपाल से सभी विभाग वापस ले लिए, जिसके बाद शिवपाल और उनके परिवार के अन्य सदस्यों ने भी अलग अलग पदों से इस्तीफा दे दिया। कावेरी जल बंटवारे को लेकर तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच जारी विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। कर्नाटक ने कावेरी नदी का पानी छोड़ने को लेकर आनाकानी करने का आरोप लगाकर शुक्रवार को तमिलनाडु बंद का आह्वान किया है। इस बंद को तमिलनाडु में विपक्षी डीएम के समेत तमाम सियासी दलों का समर्थन हासिल है। सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक और तमिलनाडु सरकार को सार्वजनिक और निजी संपत्ति को नुकसान न पहुंचाने की सख्त हिदायत दी है। इधर गुरुवार को कर्नाटक में एक दिन का बंद रखा गया। इसी के साथ ही पीएम मोदी ने दोनों राज्यों में शांति बनाए रखने की अपील भी की। एक मच्छर दिल्ली पर भारी पड़ रहा है। राजधानी में चिकनगुनिया से होने वाली मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। अपोलो अस्पताल में पिछले 3 सप्ताह में चिकनगुनिया से 5 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके साथ ही राजधानी में चिकनगुनिया से अब तक कुल 11 लोगों की जान जा चुकी है। एप्पल ने आईफोन 7 और आईफोन 7 प्लस की भारत में कीमतों का खुलासा किया है। कंपनी ने अपनी वेबसाइट पर भारत में आईफोन और एक्सेसरीज की पूरी रेंज उतारने की तैयारी की है। भारत में आईफोन 7 और आईफोन 7 प्लस की सेल 7 अक्टूबर से शुरू की जाएगी। इसके लिए प्री बुकिंग भी शुरू हो चुकी है। आईएसआईएस के चंगुल में करीब 3 महीने तक सेक्स स्लेव रही यजीदी लड़की नादिया मुराद को यूनाइटेड नेशंस ने गुडविल एम्बेसडर बनाया है। नादिया के नाम का फॉर्मल ऐलान शुक्रवार को किया गया। यूएन ने कहा कि नादिया हमारे साथ मिलकर ह्यूमन ट्रैफिकिंग के खिलाफ लड़ेगी। सरकारी तेल कंपनियों ने पेट्रोल के दाम लगातार दूसरी बार बढ़ाए हैं। पेट्रोल की कीमतों में 58 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है। इसके उलट डीजल की कीमतों में कमी की गई है। ये 31 पैसे प्रति लीटर सस्ता हो गया है। निर्वाचित बलूच नेता ब्रह्मदत्त बुक्ती को भारतीय नागरिकता मिल गई है। बुक्ती ने पाकिस्तान के खिलाफ अभियान के लिए भारतीय कागजातों की मदद से पूरी दुनिया घूमने की योजना बनाई है। भारतीय पासपोर्ट के लिए बलूच नेताओं और भारतीय अधिकारियों के बीच लंबे समय से बातचीत चल रही थी। कश्मीर में मानवाधिकार के मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाकर भारत को घेरने की कोशिश करने वाले पाकिस्तान को अब उसी की भाषा में जवाब मिलेगा। आने वाले वक्त में अगर पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो भारत बलूचिस्तान की आजादी का खुलकर समर्थन करेगा। बॉलीवुड एक्ट्रेस विद्या बालन को डेंगू हुआ है। विद्या इन दिनों फिल्म कहानी 2 में व्यस्त हैं। हाल ही में विद्या अमेरिका से कहानी 2 की शूटिंग शेड्यूल खत्म करके भारत लौटी हैं और आते ही उन्हें डेंगू हो गया।